दोस्तों, कई दफ़ा हमारी बॉडी में कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो जाती है जिसके कारण हम बहुत परेशान होते हैं। छोटी मोटी समस्याओं से मेरा मतलब क्या है? छोटी मोटी समस्याओं से मेरा मतलब है एसिडिटी का होना, इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन का होना, बैक में पेन होना, मसल्स में पेन होना और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं। कहने को ये छोटी मोटी समस्याएं लेकिन जिस इंसान को होती है ना, उसका ये जीना हराम कर देती हैं। सो What I mean to say, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो घर का किचन होता है ना, वो सबसे बड़ा क्लिनिक होता है। वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का हल छुपा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर के किचन में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मसल में पेन के, बैक के पेन को, इन्फ्लेमेशन को, एसिडिटी को दूर कर सकती है। कुछ चीज़ें आपके घर पर होती हैं और आपको रिकवर करने में, आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने में बहुत मदद करेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मसल में पेन की। देखिए, जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, या कई दफा हमारी बॉडी में हमें मसल में पेन हो जाता है, ऐसे समय में सबसे अच्छा जो उपाय है वो है जिंजर यानी कि अदरक। जिंजर को कभी भी खाया जा सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। पर मैं एक उपाय आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जिंजर खाते हैं तो सलाद के साथ खाइए। जिंजर के 2-3 ग्राम के टुकड़े बना लीजिए और उसे सलाद के साथ खाइए, तो जिन लोगों का भी मसल पेन है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें बैक में पेन है, जिन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कुछ समस्या है, सो उन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है ग्रेप्स खाना यानी कि अंगूर खाना। और अगर आप काले अंगूर खाते हैं तो फिर कहना ही क्या, ये अंगूर आपके बैक पेन को रिलीफ दिलाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें दांतों की समस्या है, मैं जानता हूँ कि जो दांतों की समस्या होती है ना, जो दांतों में पेन होता है ना, जिन भी लोगों को चाहे पायरिया की समस्या हो, चाहे दांतों से खून निकलता हो, बहुत भयानक पेन होता है। ऐसा लगता है कि ये कोई खास पेन नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को होता है ना, उन्हें पता होता है कि यार कितना पेन होता है खाते वक्त, चबाते वक्त, बोलते वक्त, एवरी टाइम उन्हें पेन होते रहता है। सो ऐसे समय में एक जो सबसे अच्छा उपाय जो हमारे घर पर उपलब्ध होता है वो होता है लौंग चबाना। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि दिन भर में 2-3 बार लौंग चबाइए। चाहे आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे मसूड़ों से खून निकलता हो, चाहे दांत थोड़े बहुत गिर रहे हो, कैसी भी समस्या हो दांतों की, धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये समस्या शायद जड़ से भी खत्म हो जाए। पांचवा जो उपाय है वो है बहुत ही खास और उन लोगों के लिए जिन्हें स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि पेट की कैसी भी समस्या हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोडिंग, कॉन्स्टिपेशन, व्हाटएवर, या फिर आपको कानों में दर्द होता हो, तो ऐसी समस्याओं का एक सबसे अच्छा और रामबाण उपाय है वो है लहसुन की एक छोटी सी कली चबाना। सुबह जैसे ही आप उठते हैं पानी के साथ, सबसे पहले एक लहसुन की कली खा लो और फिर पानी पी लो। ओ माय गॉड, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, बहुत जल्दी आपकी पेट की समस्या दूर होने लगेगी। आई स्वेयर, अगर आप लोगों ने ये छोटी सी चीज़ समझ ली, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, हमारे किचन में जो उपलब्ध होती है आपकी समस्याएं, मसल का पेन, बैक का पेन, एसिडिटी, ब्लोडिंग्स, गैस, सारी चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।